देखिए बच्चों, इसके हम सभी एक्सरसाइज कर चुके थे। नेक्स्ट आती है हमारी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की एक्टिविटी, टिक द करेक्ट ऑप्शन। एक क्वेश्चन के आपको चार ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको सही ऑप्शन पर टिक करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, 110 किसके बराबर होता है? तो आपको पता है ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये 110 है। और 110 के अंदर कितने वंस हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 वंस हैं। तो ये किसके बराबर होगा? 10 वंस के बराबर। 10 वंस के लिए कौन सा ऑप्शन है? देखिए ऑप्शन सी, तो हम ऑप्शन सी पर टिक लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नैन्सी ड्रॉ अ लाइन ऑफ 723 सेंटीमीटर। नैन्सी ने एक लाइन खींची है 723 सेंटीमीटर की। शी इरेज इट बाय 500 सेंटीमीटर, और उसने 500 सेंटीमीटर की लाइन को इरेज कर दिया है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लाइन लेफ्ट नाउ? अब उस लाइन की कितनी लंबाई बच गई है, रह गई? देखिए कोई लाइन है, ये जैसे 15 सेंटीमीटर की लाइन है, और मैंने इसमें से यहां से लेके और यहां तक की इतनी लाइन मैंने इसमें से इरेज कर दी। ये 15 सेंटीमीटर की लाइन है, मैंने इसमें से 7 सेंटीमीटर की लाइन को इरेज कर दिया। ये 7 सेंटीमीटर की लाइन मैंने इरेज कर दी, तो अब कितनी लाइन आ गई? अब क्या करेंगे, 15 में से 7 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 15 माइनस 7 कितना जाएगा? 8। ये 8 सेंटीमीटर की लाइन आएगी। इसी तरीके से 723 है, इसमें से 500 में जब आप लेस करेंगे तो कितना जाएगा? देखिए ये 3 के नीचे 0 है, तो 3 एज इट इज, ये 2 एज इट इज, 7 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा? 2। कितना जाएगा? 223। तो 223 कौन से ऑप्शन में है? ए ऑप्शन में, हम इसमें टिक लगाएंगे। आंसर कितना आएगा? 223 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखिए, सबट्रैक्टिंग 0 फ्रॉम 700 गिव्स। जब आप 700 में से 0 को सबट्रैक्ट करते हैं तो क्या आता है? हमने पढ़ा है कि किसी भी नंबर में से जब हम 0 को सबट्रैक्ट करते हैं, किसी भी नंबर में से हम 0 को सबट्रैक्ट करते हैं तो वही नंबर आता है जिसको हम पहले लिख रहे हैं, यानी 700 ही आएगा जिसमें से हम 0 को सबट्रैक्ट कर रहे हैं। फिर देखिए, किसी भी नंबर में से जब 0 को सबट्रैक्ट करते हैं तो वही नंबर आता है जिसमें से हम 0 को सबट्रैक्ट कर रहे हैं। किसमें से सबट्रैक्ट कर रहे हैं? 700 में से 0 को सबट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये 700 ही आएगा। हमारा आंसर क्या होगा? 700। कौन से ऑप्शन पर टिक लगाएंगे हम? देखिए सी ऑप्शन में 700 है, तो सी ऑप्शन पर हम टिक लगाएंगे। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, What should be added to 800 to make 1000? हमें देखिए 800 में हम कितना ऐड करें कि 1000 हो जाए। इसके लिए मैंने आपको बताया था, जैसे 5 में हम कितना ऐड करें कि वो 8 हो जाए, इसके लिए हम क्या करते थे? 8 में से 5 को सबट्रैक्ट करते थे, तो हमारे पास कितना आ जाता था? 3। 3 को जब आप 5 में ऐड करोगे तो कितना आएगा? 8। इसी तरीके से देखिए,
इसी तरीके से जब आप 1000 में से 800 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो मैंने आपको बताया जहां तक जीरो है वहां तक आपको करने की जरूरत नहीं है, ये तो हम जीरो ही लिखेंगे। हमसे सब्ट्रैक्ट इसको करना है 10 माइनस 8, 10 में से जब 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 2, तो हमारा आंसर कितना आया 200। अब 200 कौन से ऑप्शन में है, देखिए ए ऑप्शन में है, ए ऑप्शन पर टिक लगाएंगे। इस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज 100 लेस देन 585। अगर 585 में से 100 को लेस कर दिया जाए तो कितना आएगा, देखिए इसमें कैसे देखेंगे हम, 585 माइनस 100, तो देखिए जहां जीरो है वो सेम इसी वही डिजिट आ जाएगी 5 और ये 8, लेकिन 5 के नीचे 1 है तो 5 के नीचे 1 को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 485, हमारा आंसर कितना आ जाएगा 485। और कौन से ऑप्शन में 485, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन पर टिक लगाएंगे। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है, व्हाट इज 101 माइनस 2, 101 माइनस 2। अब देखिए 101 माइनस 2 को हम कैसे करते हैं, 101 में से अगर 1 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, 101 माइनस 2 है, मैं इसको दो टुकड़ों में कर देता हूं। सबसे पहले 101 माइनस 1 कितना आएगा, 101 में से जब आप 1 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा 100, और फिर दोबारा हम क्या कर देते हैं 100 माइनस 1, ये माइनस 2 हमने एक बार यहां घटा दिया और एक बार यहां, एक एक करके हमने इसको घटा दिया है, तो कितना आएगा 99। आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, आप सीधे सीधे भी कर सकते हो इसको, 101 में से 2 को सीधे सीधे भी घटा सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, तो भी कितना आएगा 99 आएगा। तो आंसर क्या है हमारा 99, और कौन सा ऑप्शन में है, सी में, तो सी पर हम टिक लगाएंगे। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ 3000 एंड 300, 3000 और 300 का डिफरेंस क्या है। देखिए जब आप 3000 में से 300 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो यहां पर देखिए हमें सब्ट्रैक्ट किसको करना है, 30 में से 3 को करना है, बाकी तो दोनों क्या है जीरो है, ये एज इट इज आ जाएगी, और 30 में से जब आप 3 को सब्ट्रैक्ट करोगे, 30 में से 3 कम करोगे तो कितना आता है 27, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 2700, कितना आंसर आएगा 2700, 2700 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में, ऑप्शन बी के ऊपर हम टिक लगाएंगे। इस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। लास्ट क्वेश्चन देखिए आपका, 4896, इसमें से कितना सब्ट्रैक्ट करें कि 4796 आ जाए, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 4796 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा इससे 4896 से, तो यहां पर देखिए करते हैं इसको, 4896 इसमें से सब्ट्रैक्ट करो 4796, तो आप देखोगे 6 में से 6 0, 9 में से 9 0, 8 में से 7 1, 4 में से 4 0, कितना आएगा हमारा 100, 100 कौन से ऑप्शन में है, 100 कौन से ऑप्शन में, बी में, तो हम बी के ऊपर टिक लगाएंगे, आंसर क्या होगा हमारा 100। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को हम करेंगे। ये आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं।
नेक्स्ट एक्टिविटी आती है आपकी पीएसए। पीएसए का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ 640 माइनस 20 10। तो देखिए 110 को हम कैसे लिखते हैं, 10। 210 को आप कैसे लिखोगे, 2 10 2 0। 10 को आप कैसे लिखोगे, 10 0। और 10 किसके बराबर होते हैं, 100 के बराबर होते हैं। 20 10 को आप कैसे लिखोगे, 20 0, 20 के बाद 0। तो 20 10 किसके बराबर हो गया, 200 के बराबर। हमारा क्वेश्चन क्या बन गया, 640 माइनस 20 10 की बजाय कर लेंगे 200। अब आप इजीली कर सकते हो इसको। देखिए आपको करना क्या है, 0 में से 0 सेम वही रहेगा, 4 में से 0 जाएगा तो 4 ही आएगा। एक्चुअल में हमको सब्ट्रैक्ट क्या करना है, 6 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करना है। 6 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा, 4। तो इससे हमारा क्या जाएगा आंसर। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकेंड क्वेश्चन देखिए, फाइंड द मिस्टेक एंड करेक्ट द डिफरेंस ऑफ 2456 एंड 1309। यहां पर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिया हुआ है, लेकिन ये क्वेश्चन गलत है। इसका जो आंसर आ रहा है वो गलत है। हमें उसमें देखना है कि गलती कहां पर है। हम देखते हैं यहां पर, देखिए 6 में से 9 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, इसलिए 6 क्या करेगा, इससे 1 बोरो लेगा। जब 6 इससे 1 बोरो लेगा तो ये कितना हो जाएगा, 6 का कितना बन जाएगा, 16। 1 बोरो लेगा, 1 बोरो लेफ्ट साइड में आएगी और कितना बन जाएगा, 16। 16 में से जब आप 9 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा, देखिए 7। कितना आएगा, 7। इसका मतलब ये जो 3 है ये कैसा है, गलत है। इसके बजाय क्या आएगा, 7। यहां पर 5 ने 1 को दे दिया है तो यहां पर 5 के बजाय कितना बचेगा, 4। 4 में से जब 0 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा, 4 आएगा, 5 नहीं आएगा, ये गलत है। 4 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1 आएगा और ये सही है, ये 1 आएगा। और 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो भी क्या आएगा, 1 आएगा। इसका मतलब ये भी सही है। तो सही आंसर कितना आएगा इसका, 1147। ये क्या है इसका करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द मिसिंग डिजिट्स का। देखिए थर्ड क्वेश्चन का हमने सी क्वेश्चन लिया है जिसमें सब्ट्रैक्शन दिया हुआ है, लेकिन इनमें कुछ डिजिट्स गायब हैं, ये हमको फाइंड आउट करनी है। हम कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले वंस के कॉलम में आते हैं। वंस के कॉलम में देखिए 4, 4 में से हम क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5 आ जाएगा। देखिए 4 में से हम क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5 आ जाएगा। 5 जो है 4 से बड़ा है, इसलिए कोई भी ऐसी डिजिट यहां पर नहीं आएगी जो 4 से छोटी हो। वो कैसी होगी, बड़ी होगी, क्योंकि यहां पर जो सब्ट्रैक्ट होकर आ रहा है वो क्या है, 5 से बड़ा है। देखिए कैसे, अगर 4 में से आप 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 आता है, 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 2 आता है, और 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 1 आता है, और 4 में से 4 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 0 आता है, और 4 में से 5 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता।
हमें कितना लाना है, 5 लाना है। तो 5 लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए हमें इस 4 को 5 से बड़ा बनाना पड़ेगा। 4 को 5 से बड़ा कैसे बनाएंगे, हम यहां से 1 क्या करेंगे, 4 लेंगे। जब हम 4 को 1 बोरो मिल जाएगी, 4 को 1 बोरो मिल जाएगी, ये 4 इसको 1 बोरो मिलेगी, ये बोरो यहां पर आ जाएगी लेफ्ट साइड पे, तो ये कितना बन जाएगा, 14। अब 14 में से कितना सबट्रैक्ट करें कि 5 आ जाए, इसके लिए हम क्या करते हैं, 14 माइनस 5 करते हैं तो कितना आता है, 9। तो हमारी फर्स्ट मैसेज आ गई, देखिए कि हम यहां पर क्या करेंगे, 9 को सबट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 5। अब देखिए यहां से हमने 1 बोरो लिया था, 1 बोरो लिया था, तो यहां पर कौन सी डिजिट ऐसी होनी चाहिए जिसमें से हम 9 को सबट्रैक्ट करें तो 6 आ जाए। इसके लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों डिजिट्स को ऐड कर देते हैं। देखिए 9 प्लस 6 इक्वल टू 15, क्योंकि ये जो है वो क्या है, इससे इस डिजिट से यहां हमें पता नहीं है ये बड़ा है, तो हमें क्या करना है, 15 आया। देखिए अब आप 15 में से 9 को सबट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 6। इसका मतलब यहां पर कितना होना चाहिए, 5, यहां पर कितना होना चाहिए, 5, ताकि बोरो ले तो क्या बन जाए, 15। अगर आप यहां पर 5 रखते हैं तो यहां पर एक बोरो लेंगे तो ये 15 बनेगा, और 15 में से 9 को सबट्रैक्ट करेंगे तो 6 आएगा। लेकिन ये यहां पर आपने 5 रखा, ये 5 कैसा है, ये अपने आप में एक बोरो इसको दे चुका है। यहां पर जो डिजिट है वो ऐसे डिजिट है जिसने इस 4 को 1 बोरो दी है, तो अगर ये 1 बोरो देगी तो 1 बोरो देने से पहले ये कौन सी होगी, 6 होगी। कितना होगा, 6, क्योंकि ये 6 होगा तभी इसको 1 बोरो देगा, ये 6 होगा तभी इसको 1 बोरो देगा, और 1 बोरो देने के बाद ये कितना बच जाएगा, 5, और 5 जब इससे 1 बोरो लेगा तो कितना बनेगा, ये 15, और 15 में से जब आप 9 को सबट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा, 6। इसने 1 बोरो लिया था तो ये 14 बना था, देखिए 14 माइनस 5 लिया तो हमारे पास 9 आया था। अब देखिए इसने 1 बोरो दिया है, 1 बोरो दिया है तो यहां पर कितना बच गया, 0 बच गया, कितना बच गया, 0। इसने 1 बोरो दिया तो यहां कितना बच गया, 0। अब 0 में से क्या रखा है कि बना जाए, 0 में से कोई नंबर घट ही नहीं सकता, कोई नंबर सबट्रैक्ट नहीं हो सकता, इसलिए ये क्या करेगा, ये इससे 1 बोरो लेगा। जब ये 1 बोरो लेगा तो कितना हो जाएगा, 10। अब 10 में से हम कितना सबट्रैक्ट करें कि 1 आ जाए, देखिए 10 में से हम कितना सबट्रैक्ट करें कि 1 आ जाए, इसके लिए क्या किया, 10 माइनस 1 कितना आया, 9। तो आप 10 में से जब 9 को सबट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 1, तो यहां पर क्या लिखेंगे हम, 9। अब देखिए इसने 1 बोरो दे दिया था तो यहां पर कितना बचेगा, 1, इसके बजाय क्या बचेगा, 1 बचेगा, 1 में से जब आप 1 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 0। ये हमारी डिजिट है, देखिए फर्स्ट डिजिट हमारी कितनी आई, 6, और यहां पर 9, 9, और यहां पर 0। इसी तरीके से आपको बाकी के दो क्वेश्चंस भी करने हैं, बाकी के दो क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी हैं, इसलिए मैंने सी क्वेश्चन लिया है। तो यहां पर देखिए हमारा आंसर क्या आएगा, ये फर्स्ट रो की डिजिट क्या है, 6, सेकेंड रो
सेकेंड रो की डजन कितनी आई, 9 और 9, 9 और 9। और थर्ड रो की डजन कितनी आई, 0। तो ये हमारा आंसर। इसी तरीके से आप बाकी के दो क्वेश्चन करेंगे। यहां ये आपका चैप्टर खत्म होता है। आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए। 2 से 3 बार 4 बार प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। नेक्स्ट क्लास में हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, मल्टीप्लीकेशन ऑफ नंबर्स। थैंक यू।